My dear students, in the last lecture you studied two parts of removal of two. Today we are going to study the remaining two parts of removal of two, and this is going to be your last lecture of removal of two. Before any much ado, I would like to start the class, and I hope that you will be sincere enough to understand the class properly. लास्ट के क्लास में आपको समझाया गया था, मैं एक बार फिर से समझा दूं कि अगर टी डबल ओ टू और टी ओ टू दोनों है तो टी डबल ओ टू की हिंदी आप क्या करोगे, इतना, और अगर केवल टी डबल ओ टू हो और दूसरा प्रीपोजिशन कुछ और हो आगे जाकर के, तो केवल टी डबल ओ टू होने पर उसकी हिंदी क्या करोगे, बहुत। आते हैं आज के एग्जाम्पल्स वर्ड आउट को। मेक इज टू हॉट फॉर मी, चलिए हिंदी करते हैं, मेक इज टू हॉट, इतना कीजिए, दूध बहुत गर्म है, फॉर मी मेरे लिए, यानी आप फिर से सुधार करके सेंटेंस को अरेंज करके बोलिए, दूध मेरे लिए बहुत गर्म है। अब आप बोलते ये क्या कर रहे हैं सर, आप इतना क्यों समझा रहे हैं हम लोगों को, ये समझ में नहीं आ रहा इसकी हिंदी से क्या लेना देना। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह के सेंटेंस की हिंदी आप नहीं निकाल पाए तो आपके लिए इसको बनाना भी मुश्किल होने वाला है। तो मैं एक बार और दोहरा दूं कि जब वाक्य में केवल एक बार टू रहे तो उसकी हिंदी बहुत कीजिएगा, टी डबल ओ टू रहे तो बहुत। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, मेक इज टू हॉट फॉर मी, दूध मेरे लिए बहुत गर्म है। दे वर टू स्ट्रॉन्ग, छोटा करके आधा करके, टू स्ट्रॉन्ग, दे वर टू स्ट्रॉन्ग, वे लोग बहुत मजबूत थे, फॉर अस हम लोगों के लिए, यानी वे लोग हम लोगों के लिए क्या थे, बहुत मजबूत थे। अब इसकी हिंदी करने के पीछे का कारण आप समझो, आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिख लिया मेक, फिर क्या लिखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, क्या था हेल्पिंग वर्ब, हमने बार बार कहा हेल्पिंग वर्ब मतलब इज आ रहे बहुत बार, तो फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ इज था इज लिखे, फिर क्या लिखना है शो, लिख लिया शो, फिर क्या लिखना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था टी डबल ओ टू के बाद वाला जो वर्ड है वही एडजेक्टिव है, तो टी डबल ओ टू के बाद क्या है, हॉट, तो मेक इट सो हॉट दैट। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट फॉर्म, यानी वाक्य का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्ट रूप। अब आपको भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट रूप ये नहीं समझ में आ रहा, मी है तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाता है, आई, हिम है, हिम का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाता है, ही, हर है, हर का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, सी, डैम है, डैम का दे, इस तरह से। तो मेक इज सो हॉट दैट, इसमें सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट फॉर्म, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या रूप लिखे, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या होगा, आई। अब कैन नॉट या कुड नॉट में से, तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने सुना है क्या, कि अगर इज आर एम रहेगा सेंटेंस में तो कैन नॉट लिखेंगे, अगर वाज वर रहेगा सेंटेंस में तो कुड नॉट लिखेंगे, तो चूंकि इसमें क्या है इज लगा हुआ है तो आई कैन नॉट, अब ह्यूमन तो क्या लिखे, ड्रिंक। अब आपका दिमाग चकराया कि नहीं चकराया कि सर क्वेश्चन में कहीं तो ड्रिंक नहीं है, हम अपने मन से कैसे जान लेंगे कि ड्रिंक है, सर पीना है लिखा हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, यही बात समझाने के लिए मैंने आपको इसकी हिंदी बताई थी। नोट यहां देखिए क्या लिखा है, इस तरह के सेंटेंस में वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार चुना जाता है, यानी वर्ब रहे कि नहीं वो आपको पता करना होगा, किसको पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा, वाक्य को पढ़ने के बाद। तो वाक्य को फिर से पढ़ते हैं, मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, दूध मेरे लिए बहुत गर्म है, और आप जानते हो रिमूवल टू निगेटिव सेंस देता है,
तो दूध अगर मेरे लिए बहुत गर्म है तो मैं क्या नहीं कर सकता हूं, नहा नहीं सकता हूं, बिछा नहीं सकता हूं, ओढ़ नहीं सकता हूं, नहीं। दूध अगर बहुत गर्म है तो मैं इसको पी नहीं सकता हूं, पीना, यानी इसमें क्रिया आपको खोजना होगा। और इसका डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ग्रामर में, जो कि आप कहोगे सर हमको कुछ तो हेल्प दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि यहां यही क्रिया लगी। नो, आई हैव नो क्लू। यू विल हैव टू फाइंड आउट द वर्ब योर सेल्फ बाय रीडिंग द सेंटेंस, बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स सेंस, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स सेंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर वर्ब विल बी सूटेड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वन। तो फिर से देखते हैं, बनाना शुरू करते हैं एक बार। सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट क्या था, मेक। हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी इज। स्ट्रक्चर के हिसाब से सो लिखा। एडजेक्टिव क्या है, मैंने समझाया टी डबल ओ टू के बाद जो होगा हॉट, मेक इज सो हॉट। फिर क्या लिखे, दैट। ऑब्जेक्ट इंटू सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या था मी, मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता आई। यहां कैन नॉट लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में इज है, तो कैन नॉट। क्या कहा आपसे, क्रिया हमने पता की तो क्रिया क्या पता चला, ड्रिंक है तो ड्रिंक। लास्ट में क्या है, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट फॉर्म, जो सब्जेक्ट रहेगा उसका, यानी इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में करना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में करना। तो सब्जेक्ट क्या कर, मेक। तो मेक का ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा, कोई भी निर्जीव का ऑब्जेक्ट रूप इट होता है। तो मेक इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। लास्ट में लिखा था सब्जेक्ट इन टू ऑब्जेक्ट, तो मेक का ऑब्जेक्ट इट। हिंदी समझते, दूध इतना गर्म है कि मैं इसको पी नहीं सकता। अगला जैसे देखिए, दे वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस। कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया दे वर टू स्ट्रॉन्ग, वे लोग बहुत मजबूत थे किसके लिए, फॉर अस, हम लोगों के लिए। तो अगर वे लोग हम लोगों के लिए बहुत मजबूत थे तो हम लोग क्या नहीं कर पाए होंगे, उन्हें तोड़ नहीं पाए होंगे, उनको चबा नहीं पाए होंगे। आदमी को तोड़ते चबाते हैं क्या, क्या नहीं कर पाएंगे अगर वो मजबूत थे तो। थोड़ा दिमाग, हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इतना मैच्योर तो हो कि सेंटेंस पढ़ने के बाद ये पता कर सकूं कि ये क्या किया गया होगा उसमें। तो वे लोग इतने मजबूत थे कि हम लोग उन्हें हरा नहीं पाए, ये यानी हमारी क्रिया क्या होगी, हराना, हराना इंग्लिश डिफीट, ये हमको पहले पता कर लेना होता है। तो तब बढ़ाना शुरू करें, सब्जेक्ट लिखना था तो दे है, हेल्पिंग वर्ब क्या है वर, लिख लिए वर। फिर क्या, सो लिख लिए सो। एडजेक्टिव क्या है, टू के बाद स्ट्रॉन्ग है, दे वर सो स्ट्रॉन्ग। फिर क्या लगाना था, दैट। अब क्या कर रहे, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, अस का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, वी। अब कैन नॉट या कुड नॉट में से एक लिखना है, तो चूंकि यहां वाज वर है यानी वर है, इसलिए हमें क्या लिखना होगा, कुड नॉट, वी कुड नॉट। और अभी कुछ देर पहले हमने क्रिया पता की कि हम लोग उन्हें हरा नहीं सके, हराना का क्या होता है, डिफीट। लिखिए लास्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट जो है उसको किस रूप में लिखना, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा, देम। लेक्चर को दो बार तीन बार जरूर वीडियो में सुनिएगा, तब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो दूसरा पार्ट है वो, He is too arrogant to convince. My dear student, this is going to be very confusing. क्योंकि जो पहला आपने पढ़ा था और आखिरी वाला जो पढ़ रहे हो, दोनों दिखने में they look alike. Apparently they look similar. But exactly they are just opposite to each other. दोनों देखने में, याद कीजिए पिछले लेक्चर का, I am too busy to go. और आज भी क्या है, He is too arrogant to convince. देखने में दोनों का जो रूप है वो क्या है, एक जैसा, लेकिन जैसे दो जुड़वा व्यक्ति, एक शक्ल का आदमी, लेकिन स्वभाव से कोई एक राम होगा कोई एक रावण होगा, ठीक उसी तरह वो जो पहला आपने पढ़ा
वो और आज जो पढ़ रहे हो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, और इस फर्क को समझोगे कैसे आप जब तक हिंदी नहीं करोगे, नहीं समझ पाओगे। चलिए हम पहला वाला सेंटेंस फिर से बोल रहे हैं, पिछले क्लास वाला, पिछले लेक्चर वाला। आई एम टू बिजी टू गो, मैंने आपको कुछ देर पहले क्या समझाया, दो बार टू रहेगा तो पहला टू का हिंदी इतना कीजिएगा, मैं इतना व्यस्त हूं कि, और इसका जब रिमूवल आप तो की हिंदी करते हैं तो निगेटिव आता है, नहीं सकता हूं। आई एम टू बिजी टू गो, मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं जा नहीं सकता। अब देखिए ये वाला, ही इज टू एरोगेंट टू कन्विंस, एरोगेंट मतलब जिद्दी होता है, अब कन्विंस मतलब समझाना, वह इतना जिद्दी है। अभी लास्ट में क्या है, कन्विंस, कन्विंस मतलब समझाना, पॉजिटिव वर्ब अगर आपने पढ़ा है ग्रामर में, मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव वर्ब नहीं जानते, प्रेरणार्थक क्रिया, उनको ये चीज समझ में आती है, लेकिन सरल रूप में मैं समझा दूं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती जो आदमी खुद से करता है, जैसे रीड पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, कोई और पढ़ाता, अंडरस्टैंड समझना, कन्विंस मतलब किसी और को समझाना। तो ही इज टू एरोगेंट टू कन्विंस, वह इतना जिद्दी है कि वह नहीं समझा सकता या कोई उसको समझा नहीं सकता। और जैसे ही आप हिंदी करोगे और आपके दिमाग में यह घंटी बजे कि यहां कोई लगाना पड़ेगा हमको, जैसे एक उदाहरण, दारा सिंह वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू डिफीट, दारा सिंह इतने मजबूत थे, डिफीट मतलब क्या, हाराना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दारा सिंह इतने मजबूत थे कि कोई उनको हरा नहीं सका। जैसे आपके दिमाग की घंटी बजे और कहे कि यहां तो कोई लगेगा, तब आप यहां वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए जो आज लास्ट में बताया गया। नीचे पहले नोट पढ़ लीजिए क्या लिखा है, इस तरह के वाक्य में काम किसी और के द्वारा किया जाता है, जैसे आई एम टू बिजी टू गो, मैं इतना व्यस्त हूं मैं नहीं जा सकता, यानी मुझे जाना है लेकिन जा नहीं सकता, लेकिन ही इज टू एरोगेंट टू कन्विंस, वह इतना जिद्दी है तो वह ही नहीं समझा सकता बल्कि कोई उसको समझा नहीं, यानी वह इस तरह के वाक्य में काम किसी और के द्वारा किया जाता है। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए, इसका देखिए दो स्ट्रक्चर यहां भी जो बनाया मैंने दो तरीके से, आपको जो तरीका सूट करेगा उस ढंग से बनाइएगा। देखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखना है लिखे ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है लिखे ही, फिर सो लिखना है लिखे सो, फिर एडजेक्टिव लिखना है तो टू के बाद क्या था, एरोगेंट, तो ही सो एरोगेंट, फिर क्या लिखना है, दैट, वन लिखना है लिखे वन, मैं समझा दू यहां वन मतलब एक नहीं कोई होगा, तो ही इज सो एरोगेंट दैट वन, फिर क्या, कैन नॉट या कुड नॉट लिखना है, तो चूंकि इजारे में है इज है यहाँ तो कैन नॉट लगा, फिर क्या भर, तो भर क्या थी, कन्विंस लिख लिया कन्विंस, लास्ट में लिखा है सब्जेक्ट को किस रूप में लिखो, ऑब्जेक्ट रूप में, तो सब्जेक्ट क्या था ही, तो ही का ऑब्जेक्ट रूप क्या हो गया हिम, तो देखिए कितना आराम से बना लिया, ही इज सो एरोगेंट दैट वन कैन नॉट कन्विंस हिम, हिंदी हुई वह इतना जिद्दी है कि वन जो कि हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया, वन मतलब कोई होगा, कोई उसको समझा नहीं सकता है। अथवा देखिए और लिखा हुआ, दो तरीका है इसको बनाने का, दूसरा तरीका दूसरे स्ट्रक्चर से, शुरू में वही होता है, शुरू में कोई बदलाव नहीं, सब्जेक्ट लिखना है लिखे ही, हेल्पिंग वर्ब लिखना है लिखे इज, शो, एडजेक्टिव क्या था एरोगेंट, फिर दैट, सब्जेक्ट इनटू प्रोनाउन फॉर्म, सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन रूप है, तो पहला लेक्चर याद कीजिए, पहला ही सेक्शन में कहा था कि अगर वो प्रोनाउन में है तो वही लिखो, लेकिन अगर वो नाउन है जैसे नाम है किसी का, बॉय गर्ल ये सब है, तो उसके हिसाब से लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, या प्लूरल है तो दे लिखो, यहाँ क्या ही है प्रोनाउन है तो ही लिखिए, तो ही इज सो एरोगेंट दैट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन रूप तो यहाँ ही तो प्रोनाउन में ही है तो लिखे ही, फिर क्या करना है, कैन नॉट कुड नॉट, तो चूंकि यहाँ कैन नॉट लिखेंगे तो कैन नॉट, फिर क्या करना है, बी
लास्ट में वर्ब जो था उसका कौन सा रूप लिखेंगे, तीसरा रूप, ही थ्री कर देंगे। तो कन्विंस का तीसरा रूप क्या होगा, कन्विंस्ड। तो अब कहिएगा इसका हिंदी क्या हुआ, वह इतना जिद्दी है कि उसे समझाया नहीं जा सकता है, ये पैसिव रूप हुआ इसका। अगला देखते हैं, द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, प्रश्न इतना कठिन था कि कोई हल नहीं कर सका, ये हुई इसकी। अब बनाते हैं, पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है तो द क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो वॉज, फिर क्या सो, फिर क्या डिफिकल्ट, टू के बाद एडजेक्टिव है डिफिकल्ट दैट, वन द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट, स्ट्रक्चर के हिसाब से वन लिखना है वन, फिर कैन नॉट कुड नॉट में से एक लिखना है, तो चूंकि वॉज है तो कुड नॉट लगेगा, वन कुड नॉट, बी वन लिखना है तो सॉल्व, लास्ट में सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन निर्जीव होता है, कुछ देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे निर्जीव का ऑब्जेक्ट इट होगा, तो द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट, प्रश्न इतना मुश्किल था, इतना कठिन था कि कोई इसको हल नहीं कर सका। दूसरा तरीका देखते हैं, द क्वेश्चन लिखे सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब क्या था वाज, सो लगा दिए, एडजेक्टिव क्या है टू के बाद डिफिकल्ट है, लिख दिया एडजेक्टिव डिफिकल्ट। अब देखिए सब्जेक्ट इनटू प्रोनाउन फॉर्म, तो सब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन, निर्जीव का प्रोनाउन भी ईडी होता है, ऑब्जेक्ट ग्रुप तो ईड होता है प्रोनाउन भी, तो क्या हो गया ईट, उसके बाद क्या करना है कैन नॉट कुड नॉट में से एक लिखना है तो कुड नॉट हो जाएगा, फिर क्या बी, फिर वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या था यहाँ सॉल्व, सॉल्व का तीसरा रूप क्या होगा सॉल्व, प्रश्न इतना मुश्किल था कि इसको हल नहीं किया जा सका, यही इसकी हिंदी में। मुझे पूरा विश्वास है माय फ्रेंड्स, माय लिटिल फ्रेंड्स, यू वुड हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। एक इन्फॉर्मेशन है कि आगे का चाहे वो लेटर हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो समरी वगैरह हो, वो सारी चीजें बोर्ड पर नहीं होगी, प्राइवेटाइज होने वाला है यूट्यूब चैनल सबका, अब आपको नोट्स वितरित किया जाएगा, कब वितरित किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सब लोग तुरंत व्हाट्सएप से ओएसिस क्लासेस के व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्या होने वाला है आने वाले दो चार दिनों में, हाँ, ताकि आपको अब बोर्ड पर क्वेश्चन आंसर नहीं होने वाला है, और अगर होगा तो नोट्स पर होगा, कैसे क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।